हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द चित्रा साइंस अब हमारा आज का टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसडवेंटेज ऑफ ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड जो हम पोलोग्राफी में यूज़ कर रहे हैं इसकी क्या एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं पहले एडवांटेजेस देखते हैं द करंट वोल्टेज कर्व शोज ओनली द प्रोसेस अक्रिंग एट द डीएमए जो करंट वोल्टेज कर्व है वो केवल जो ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड जो है हमारा जो हमारा वर्किंग इलेक्ट्रोड है उस पर जो प्रोसेस हो रहा है केवल उसी का करंट वोल्टेज कर्व हमें मिल रहा है एनालिसिस ऑफ एसिड इज पॉसिबल बिकॉज एच जी केमिकली विद एसिड जो एसिड की एनालिसिस हम इसमें ईजिली कर सकते हैं क्योंकि मरकरी जो है वो हमारा एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करता नेक्स्ट एडवांटेज क्या है एच जी इल्ड रिप्रोड्यूसेबल करंट एज मरकरी इलेक्ट्रोड सर्फेस इज कंटिन्यूसली रिन्यूड स्मूथ सर्फेस ऑफ द मरकरी ड्रॉप विच अलाउड विच अलाउज़ रिप्रोड्यूसिबिलिटी रैपिड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अब जो एच की जो सर्फेस है चूँकि हम क्या है बार बार एक नई बूंद हमें मरकरी की मिल रही है तो जो हमें एक तो स्मूथ सर्फेस मिल रही है और एक क्या है कॉन्टीन्यूअसली रीन्यूव हो रही है पहली गिर रही है फिर दूसरी आ रही है फिर तीसरी आ रही है तो हमें क्या है आपका एक तो स्मूथ सर्फेस मिल रही है मरकरी ड्रॉप की एक क्या है हमें कॉन्टीन्यूसली रीन्यूवड सर्फेस मिल रही है हमारी तो एक ये हमें इसका बेनिफिट है नेक्स्ट सेवरल रन कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग द सेम सॉल्यूशन एज द सरफेस एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड इज वेरी स्मॉल एंड द अमाउंट इलेक्ट्रोलाइज इज नेग्लीजेबल एंड द कंसनट्रेशन ऑफ द ओरिजिनल सॉल्यूशन नियरली रिमेन्स द सेम एक क्या है इसमें क्या है हम इसमें जो है जो है सेवरल रन हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं इस एक ही सेम सॉल्यूशन के अंदर क्यों चूँकि एक तो हमारे इलेक्ट्रोड की सरफेस कम है दूसरा क्या है सरफेस कम होने की वजह से बहुत कम अमाउंट जो है हमारा अमाउंट जो है सैंपल का इलेक्ट्रोलाइज होगा मतलब ही मान लें तो जो कंसेंट मतलब एज कम्पेयर टू रिजनल सोल्यूशन के कंपेरिजन में यदि हम मान लें तो हमारा क्या है चूंकि हम जो है बहुत सारे हम एक, रन सेवरल रन परफॉर्म कर सकते हैं मतलब बहुत सारे हम जो है Uh, बहुत सारी बार हम जो है एक्सपेरिमेंट uh, परफॉर्म कर सकते हैं क्यों परफॉर्म कर सकते हैं चूंकि जो सरफेस एरिया हमारा इलेक्ट्रोड का क्या है वो हमारा छोटा है तो इस वजह से हम क्या है बहुत सारे हम जो है हम रन्स uh, परफॉर्म कर सकते हैं इसकी हेल्प से आपका तो ये क्योंकि जो हमारी सरफेस हमें इलेक्ट्रोड की सरफेस जो है हमारी इसमें छोटी होती है चूंकि ड्रॉप पे हमारी कितना हमारा आयन जो है आपका एकोमुलेट हो सकता है तो इस, इस वजह से जो है एज अ सर्फेसर ऑफ द इलेक्ट्रोड इज वेरी स्मॉल द अमाउंट इलेक्ट्रोलाइज इज एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ द ओरिजिनल सोल्यूशन नियरली सेम इस वजह से जो कंसंट्रेशन है वो हमारी सोल्यूशन की वो हमारी सेम ही रहती है

जो ड्रॉपिंग मरकर इलेक्ट्रोड की सरफेस पे कोई कंटामिनेशन नहीं आता चूँकि बार बार रिनीड हो रही है वो हमारी सरफेस नो पॉइजनिंग ऑफ ड्रॉपिंग मरकर इलेक्ट्रोड पॉइजनिंग भी नहीं हो रही है इज हाई ओवर पोटेंशियल फॉर एच प्लस आयंस आयंस रिडक्शन एट द एच प्लस नॉट इंटरफेयर अब जो हमारे एच प्लस आयन चूंकि जो हम सोल्यूशन बना रहे हैं वो वाटर में बना रहे हैं तो एच प्लस आयन का चूंकि हाई ओवर पोटेंशियल होता है इस वजह से ये क्या है हमारे इंटरफेरेंस क्रिएट नहीं करते हमारे रिडक्शन प्रोसेस में एक ये इसकी एडवांटेज है आफ्टर द रिडक्शन मैनी metals get dissolved in the pool of mercury to form amalgam which doesn't interfere in estimation reduction ke baad jatar metals kya hain wo mercury ke pool mein hamare kya hai dissolve ho jate hain to is wajah se jo hai aap hamare kya hai estimation mein kya hai interference hamare nahi create karte अब डिसएडवांटेजेस क्या है ए मरकर इलेक्ट्रोड इज़ नॉट वेरी यूजफुल फॉर परफॉर्मिंग ऑक्सीडेशन भी एच जी इज़ टू इजीली ऑक्सीडाइज क्योंकि एच जी बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है इस वजह से क्या है हमारा जो मरकरी इलेक्ट्रोड को हम जो है ऑक्सीडेशन नहीं हम परफॉर्म कर सकते इसकी हेल्प से एच जी इज़ पॉइजन पॉइजनस एंड वॉलेटाइल एक वॉलेटाइल होता है और एक मरकरी जो है पॉइजनस होता है नेक्स्ट क्या है डिसडवाटेज क्या है द ड्रॉप सरफेस एरिया चेंजेस बाय चेंज ऑफ पोटेंशियल जैसे हम पोटेंशियल चेंज करते हैं तो जो सरफेस एरिया है हमारा ड्रॉप का वो चेंज हो जाता है आपका एक ये डिसएडवांटेज है हमारा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मरकर ड्रॉप ग्रेजल सर्फेस एरिया इंक्रीज एंड कंसिक्वेंटली लिटल फ्लक्चुएशन इन करंट में अकर विच में इंटरफेर एस्टिमेशन एज एन एवरेज करंट इज कंसिडर्ड अब जैसे कि हम पोलोग्राम वाली वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था तो इसमें क्या है हमारा जो है हमें इस तरह का सीधा वो ना मिलके ऐसे 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 मिलता है क्यों क्योंकि जैसे जैसे मरकरी की सरफेस हमारी जो है सरफेस इलेक्ट्रोड की सरफेस बढ़ती रहती है ऐसे आयन उसके ऊपर एकोमुलेट होना शुरू हो जाता है और एक मैक्सिमम लिमिट पर जाके हमारा क्या है वो ड्रॉप नीचे गिर जाती है तो करंट एकदम से फटाक से नीचे आता है तो हमारा जो है जो हमें करंट जो हमें ले, में लेना होता है उसका चूंकि हमें वो इस फॉर्म में मिलता है तो हमें एक एवरेज लेना होता है उनके बीच का हमारा ये पोलोग्राम वाली उसमें हम देख चुके हैं हमारा तो इसमें जो है कॉन्टिन्यूस वो नहीं मिलता है हमारा तो एक लिटल फ्लक्चुएशन आएगा करंट में जब वो मरकरी की ड्रॉप एकदम से हमारी नीचे गिरेगी तो इसमें चूंकि जो है हमारा तो जो है हमें इस तरह से सीधी वो ना मिलके ऐसे 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 मिलती है हमारी द साइज ऑफ द कैपेलरी टू स्मॉल टू बी ब्लॉक्ड इजीली इजीली ब्लॉक्ड हो जाती है क्योंकि जो कैपेलरी का साइज है वो हमारा बहुत छोटा है एट पोटेंशियल मोर देन जीरो पॉइंट फोर वोल्ट वर्सेज सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड एच जी मेटल इज ऑक्सीडाइज प्रोड्यूसिंग एनोडिक पोलोग्राफिक वेव विच मास्क अदर वेवस देर फोर डी एम ई कैन बी यूज ओनली फॉर द एनालिस ऑफ रोड्यूसीबल और ईजिली ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस जैसे कि हमने अभी पहले भी देखा कि ईजिल ऑक्सीडाइज्ड होने की वजह से ये केवल जो है रिड्यूसिबल सब्सटेंस की मिसम एनालिसिस कर सकते हैं ऑक्सीडाइजेबल की नहीं कर सकते हमसे क्योंकि जो है यदि प्लस के 0.4 वोल्ट पे जो है इससे जब ज़्यादा पोटेंशियल होता है तो एच मेटल जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है और क्या है एनोडिक पोलोग्राफिक वेव देता है जो दूसरी वेव को हमारी मास्क कर देती है कवर कर देंगी तो इस वजह से जो ड्रॉपिंग मरकर इलेक्ट्रोड है इसकी हेल्प से केवल हम जो है रिडक्शन uh, प्रोसेस को ही स्टडी कर सकते हैं मतलब जिस जिन स्पीशीज़ का रिडक्शन हो रहा है सिर्फ उन्हीं का हम जो है एनालिसिस कर पा रहे हैं क्यों क्योंकि हमारी मरकरी जो है वो इजीली ऑक्सीडाइजेबल है तो इस वजह से जो है ऑक्सीडेशन प्रोसेस हम इसमें नहीं स्टडी कर पा रहे हैं ये इसका एक डिसएडवांटेज है ये था हमारा आज का टॉपिक थैंक यू